नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उद्धव गीता के हम 23वें स्कंध का पाठ हमने प्रारंभ किया था। इसके पहले 22वें चैप्टर में हमने क्रिया योग देखा था, किस प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि करनी चाहिए, उसका विस्तार भगवान ने किया था। उसके बाद में अब ये अध्यात्म रामायण का एंड लगभग आ रहा है और भगवान कुछ सार बातें मुख्य परमार्थ तत्व उद्धव को देना चाहते हैं। इसलिए अब जो चैप्टर प्रारंभ हो रहा है, जो हुआ है पिछली बार हमने प्रारंभ किया था, वो है हाईएस्ट फिलॉसफी, जिसे आप कहते हैं परमार्थ, सर सुप्रीम रियलिटी क्या है, ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। वेदांत में तीन सत्ताओं की बात की गई है। एक है पारमार्थिक सत्य, दूसरा है व्यावहारिक सत्य और एक है प्रातिभासिक सत्य। सत्य यानी जो हमें सत्य दिखाई देता है, ये टेबल कुर्सी मैं आप ये हॉल हम सुन रहे हैं, ये एक सत्य है। इसको हम नहीं कह सकते कि ये नहीं है, तो हम मान मना नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि ये थर्मोस है, इसमें पानी है, गिलास है, इसको हम मना नहीं कर सकते, ये सत्य है। अगर मैं कहूँ कि टेबल पर थर्मोस नहीं है तो झूठ हो जाए। तो एक होता है ये सत्य, सत्य को ना नहीं कह सकते। लेकिन वेदांत कहता है कि ये सत्य तीन प्रकार के सत्य होते। यह जो सत्य है जो आप बात कर रहे हैं, यह इसको कहते हैं व्यावहारिक सत्य, व्यवहार में काम में इसको सत्य लगते हैं। आज के वैज्ञानिक कहेंगे, कोई साइंटिस्ट होगा वो कहेगा कि ये टेबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, अणु परमाणु बने हुए हैं और यहाँ पे क्वांटम है, यहाँ एक स्पेस है, तो उसको आप सत्य कैसे कहोगे, वास्तविक सत्य तो वह है। वो कहेंगे कि यह जो आप कह रहे हो वह व्यवहारिक सत्य है, उसके पीछे जो सत्य सच्चे सच्चा सत्य थे वो और कुछ है। वेदांत भी इसी तरह की बात कहता है। वेदांत कहता है कि परमार्थ की दृष्टि से अल्टीमेटली ट्रांसेंडेंटल ट्रुथ जिसे वे कहते हैं, उसके अनुसार यह जगत जो है वो केवल दिख रहा है, नाम रूप दिखाई दे रहा है, नाम रूपात्मक जगत है, उसके पीछे एक ब्रह्म की ही सत्ता है, एकमात्र सत्ता है और कुछ नहीं, उसको कहते हैं पारमार्थिक सत्य। और एक है प्रातिभासिक सत्य, जैसे रात में दृष्टांत देते हैं कि रात में सांप दिखा और हम डर गए, अब रस्सी थी उसको हमने देखा सांप, तो है तो नहीं वहां पर, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम हुआ डर लगा तो हमको, डर कर हम भागने लगे। तो जो सत्य जो वस्तु नहीं है फिर भी कुछ दिखाई देती है, उसके परिणाम स्वरूप हम कष्ट पाते हैं, उसको कहते हैं प्रातिभासिक सत्य, क्या है इल्यूजन, लेकिन वह भी सत्य। तो वेदांत ये चार प्रकार के तीन प्रकार की सत्य की चर्चा करता है। तो इस अध्याय में भगवान पारमार्थिक सत्य की बात कर रहे हैं, परमार्थ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसमें भगवान सबसे पहले कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत देते हुए कहते हैं कि देखो भाई, ये संसार का जार साज बता है, पुरुष और प्रकृति इन दो के मिलन से भगवान बना, ये जगत बता बना हुआ। ये जगत जो है पुरुत और प्रकृति इन दोनों के साथ मिला हुआ है, दृष्टा और दृश्य ये दो हैं, और इसलिए यह पारमार्थिक दृष्टि से सब एक अधिष्ठान ही है। इसीलिए व्यक्तियों के स्वभाव और कर्मों की न तो निंदा करनी चाहिए और न प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? जो व्यवहार है, जो स्वभाव है, जो कर्म है,
वो तब व्यवहारिक सत्य में आते, पारमार्थिक सत्य नहीं। तो व्यवहार में भेद हो गए ही, किसी के शांत स्वभाव होगा, कोई मूढ़ स्वभाव का होगा, और किसी ने अच्छा कर्म किया होगा, बुरा कर्म किया होगा, ये प्रकृति के गुणों के कारण होता है। इसलिए उनकी न तो स्तुति करनी चाहिए और निंदा नहीं करना चाहिए, सदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। तो कुछ लोग अगर कोई कहे कि निंदा करे तो हाँ हाँ सुन लेते हैं, कोई प्रशंसा करे तो हाँ हाँ करके सुन लेते हैं, चुपचाप। मैंने कहा था पिछली बार, कहते हैं अरे मत करो निंदा, मत करो निंदा, मत करो, तुमको बाद में प्रशंसा करनी पड़ेगी। यानी ये निंदा प्रशंसा जो है वो रिलेटिव है, इनको छोड़ दो। उसके बाद में जो प्रशंसा और पर स्वभाव के कर्म और प्रशंसा की निंदा करता है या प्रशंसा करता है दूसरे की, वो क्या है, स्वार्थात असत्य अभिनिवेश से जो आपका लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करने का है, उससे च्युत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो असत है उसको महत्व दे रहे। ये संसार गुणों से बना हुआ है, इसमें अच्छा बुरा होगा ही, व्यक्ति का स्वभाव है, कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। कोई अगर उसको आप महत्व दोगे तो आपका जो मेन गोल है, टारगेट है, परमार्थ है, अद्वैत में प्रतिष्ठित होना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, उस गोल से च्युत होकर आप बाहरी दूसरी जगत को महत्व दे रहे। ये साधना में, आध्यात्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी बाधा है, और वो यह है कि सारा हम जो असत है उसको सत्य लेकर ही व्यवहार करते रहते। हमने इस संसार को सत्य मान लिया, हमने इस मकान को सत्य मान लिया, आश्रम को सत्य मान लिया, और आश्रम के क्रियाकलाप को महत्व दे रहे हैं। अगर आश्रम में कुछ गलती हो गई तो हम चिंतित हो गए, आश्रम को कुछ हानि हो गई तो चिंतित हो गए, आश्रम में हमने एक बढ़िया बिल्डिंग बना दी तो हम खुश हो गए। अरे ये तो मिथ्या है, और उसको हमने कितना महत्व दे दिया। हम संसार में इसी बाह्य जगत को महत्व देकर कष्ट पाते, और जो हमारा लक्ष्य है उससे च्युत हो जाते। इसलिए यहां पर कहा है कि उसकी न तो निंदा करो और न प्रशंसा करो, नहीं तो आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, संसार में घूमते रहोगे। रामकृष्ण मिशन में एक कहावत है, कहावत कहते हैं कि जो रामकृष्ण मिशन है ना, उसमें रामकृष्ण सत्य है और मिशन मिथ्या है। जो रामकृष्ण है ना वो तो सत्य है, वो है परमात्मा, ब्रह्मा है, लेकिन जो मिशन है वो मिथ्या है। और मिशन को ज्यादा महत्व दो फंस जाओगे, उद्देश्य है रामकृष्ण को पकड़ना। तो यहां पर वार्निंग देते हुए कहते हैं कि दूसरे के स्वभाव और कर्म की जो प्रशंसा करता है या निंदा करता है, वह शीघ्र ही अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह असत को महत्व दे रहा है। उसके बाद में कहते हैं कि सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं, जब वे निद्रित हो जाती हैं तब शरीर अभिमानी जीव चेतन चेतना शून्य हो जाता है, अर्थात उसे बाहरी शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय वह यदि मन बच रहता है तो सपने में झूठे दृश्य में भटकने लगता है और स्वप्न में लीन हो जाता है या फिर निद्रा में चले जाता है। जिस प्रकार से स्वप्न में यदि हम सो जाते हैं, जागृत अवस्था का हमें भान नहीं रहता, तब या तो हम स्वप्न देखते हैं या फिर निद्रा में डूब जाते हैं। उसी प्रकार से अविद्या की जो नींद है, जब अविद्या से हम आच्छन्न हो जाते हैं, उस समय या तो हम यह संसार का स्वप्न देखेंगे या फिर अज्ञान में पड़ जाएंगे। गहरे अज्ञान में पड़ना वो घोर निद्रा है, और संसार का स्वप्न देखना, संसार का कार्य करना, संसार को सत्य मानकर आचरण करना, यह है स्वप्न। योग वशिष्ठ रामायण इसी सिद्धांत पर आधारित है। वहां पर केवल एक यही स्वीकार किया गया है कि जगत मिथ्या,
और उसको उन्होंने बताने का प्रयत्न किया कि जिस किस प्रकार स्वप्न और बाह्य जगत दोनों एक प्रकार के। पक्के वेदांती लोग मानते हैं कि जगत में जगत स्वप्न है। उस पर मैंने मैं आपसे चर्चा भी की थी कि कुछ लोग बोलते हैं एक चाइनीज फिलोसोफर वेदांती ने कहा कि मैंने स्वप्न देखा कि मैं चिड़िया तितली बना हूं। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तितली हूं जो यह स्वप्न देख रहा हूं कि मैं मनुष्य बना हूं, या मैं मनुष्य हूं जिसने स्वप्न देखा था कि मैं तितली बना था। यहां पर यही बात कही गई कि यह भी जगत जो है जिसका हम अनुभव करते हैं वह भी एक स्वप्न है, और जब घोर अज्ञान में पड़ जाते हैं वो घोर निद्रा। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रतिदिन निद्रा में जाते हैं, घोर निद्रा में जाते हैं, या फिर स्वप्न देखते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं कि द्वैत नाम की वस्तु जो है उसमें अमुक भली या बुरी अथवा इतनी इतनी भली और इतनी बुरी, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। किम अभद्रम किम भद्रम वा द्वैतस्य अवस्तुनः। जो अवस्तु है यह जगत जो ड्यूअलिस्टिक वस्तु है, देखिए अब वी आर ऑल टॉकिंग ऑफ परमार्थ, हम लोग केवल उच्चतम फिलोसफी की बात कर रहे हैं, परमार्थ की बात। जिसे मैंने कहा ना परमार्थ सत्य, इसीलिए मैंने आपको बता दिया परमार्थ में क्या है, एक ब्रह्म ही सत्य है और सब कुछ द्वैत जो है, अद्वैत को छोड़कर जितना द्वैत है सब मिथ्या है। तो इस मिथ्या में ये कहते हैं कि उसमें कोई वस्तु बुरी है या भली है, इसका प्रश्न ही कहां उठता। विश्व की सभी वस्तुएं वाचोदितम तद अनित्रम मनसा ध्यातम एव। मन से जिसका जितनी वस्तुओं का चिंतन किया जा सकता है और वाणी से जिन वस्तुओं का बोला जा सकता है, ये सब के सब जो बातें हैं सब अनित्य हैं, इतने इसलिए ये मिथ्या है, वो अभी है अभी नहीं है। अच्छा, अब सत्य के संबंध में एक और बात कही थी, जो एक तो सत्य है जो हमें अभी दिखाई देता है, दूसरे सत्य के संबंध में कहते हैं जो त्रिकालाबाधित सत्य, जो अभी रहे, पिछले पहले भी था अभी भी है और बाद में भी बना रहेगा, उसको कहते हैं सच्चा सत्य। अब हमको लगता है कि ये सामने जो दिख रहा है, कल भी हॉल दिखा था, आज भी हॉल दिखा हुआ है, परसों भी हॉल दिखेगा, एक महीने पहले भी हॉल था, ये सत्य है। लेकिन आज से 50 साल पहले ये हॉल नहीं था, और कभी मालूम नहीं 100-200 साल बाद ये हॉल नहीं रहेगा। हमारे सामने हमको ये दिखाई देता है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि संसार में जो वस्तुएं परिवर्तनशील हैं उसको वेदांत असत्य मानता है और कहते हैं कि द्वैत में जितनी वस्तुएं हैं सब असत्य। इतना होते हुए भी इनसे काम चलता है, जैसे परछाया प्रत्यवया आभास ही असंतो अपि अर्थकारिणः एवं देहादयो भावा यत् शांत्या अमृतो अभयम् अमृतो भयम् यानी अमृत्युतो भयम् आमृत्युतो सॉरी। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से परछाई प्रतिध्वनि सीपी आदि में चांदी के आभास यद्यपि है, आभास हैं सर्वथा मिथ्या, किंतु उनके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय कंपन आदि का संचार होता है। जैसे कहा कि सांप अपनी मिथ्या है तो भी डर तो लग गया। उसी प्रकार से देहादि ये भी मिथ्या होते हुए भी इनके से कार्य चलता है, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती और अज्ञानियों को ये भयभीत करते रहते हैं। फिर कहते हैं आत्मा एव इदं विश्वं सृजते सृजति प्रभुः त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरति ईश्वरः। ये भगवान जो है जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों, ये मैंने बताने का प्रयत्न किया था
उपादान कारण और निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो मिट्टी से घड़ा घड़ा बनता है, और कौन बनाता है? एक कुम्हार बनाता है। तो जब मिट्टी से बनाता है तो मिट्टी को बोलते हैं यह है उपादान कारण, मटीरियल। मटीरियल बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, तो उसका कारण है घड़ा, मिट्टी है। और बनाया किसने? कुम्हार ने। कुम्हार के बिना नहीं बन सकता, वह है निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों मिलकर ही जगत की सृष्टि होती है। तो कहते हैं कि यह जो भगवान है, यह जगत को के उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण दोनों हैं। तो कहते हैं कि कंबाइंड संयुक्त निमित्त उपादान कारण। यहां तो मिट्टी और घड़ा अलग है, मिट्टी और कुम्हार अलग है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान इस जगत रूपी मिट्टी से जगत को बनाते हैं। और ये जो मिट्टी क्या है? ये मिट्टी भी भगवान है। भगवान अपने द्वारा ही जगत की निर्माण करते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जब आत्म साक्षात्कार वे लोग करते हैं, तब उन्हें स्पष्ट दिखता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। स्वामी श्री राम कृष्ण कहते थे कि मैं सबको देख रहा हूं, सब कुछ भगवान ही तो है। तो भगवान ने, और भी उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान जगत की सृष्टि करते हैं और जगत के अंदर खुद प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर यही कहा कि भगवान जो है वो जगत का उत्पादन करते हैं, और स्वयं जगत के रूप में उत्पन्न होते हैं। वह विश्व भी है, विश्व बनते भी हैं और बनाते भी हैं, रक्षा भी करते हैं और रक्षित भी होते हैं, इस जगत का संहार भी करते हैं, और जिसका संहार हो रहा है वह भी भगवान ही है। ये याद रखिए, आज हम परमार्थ की बात कर रहे हैं, इसको जीवन में उतारना चाहिए। ये बात जो है, यह शास्त्र, ये जो महापुरुष हैं, उन लोगों का ये साक्षात्कार होता है, लेकिन हम लोगों के लिए उनका जो साक्षात्कार है, अनुभूति है, उसको हमें जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। वे साक्षात देखते हैं, श्री राम कृष्ण देखते हैं कि सभी में भगवान है। स्वामी विवेकानंद पे बहुत आसक्त थे श्री राम कृष्ण, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। वो हमेशा दिन भर श्री राम नरेंद्र चिंतन करते थे। एक दिन की घटना है कि दो तीन लोग उनके कमरे में बाहर सो रहे थे, रात भर श्री राम कृष्ण को नींद नहीं आई। वो लोग सो गए, बाहर बरामदे में सोए हुए हैं, बाबूराम और एक त्रैलोक के दो तीन लोग सोए हुए हैं। 10 बजे सब लोग सो गए, 11 बजे श्री राम कृष्ण आए भाव में, आके, अरे तुम लोग सो गए क्या? उन्होंने कहा नहीं, उठ गए वो लोग। क्या हुआ? के अरे वो जो नरेंद्र नामक लड़का है ना, वो बहुत अच्छा है, उसकी मेरे को बड़ी याद आ रही है, वो बहुत दिनों से यहाँ नहीं आया। तुम ऐसा करना कि सुबह उठ के तुम वहां उसके यहाँ चले जाना, उसको बता देना कि यहाँ आ जाए। हाँ हाँ महाराज, कर देंगे। ऐसा बोल के वे लोग फिर सो गए। जबकि आई थी कि श्री राम कृष्ण फिर आए, अरे सो गए क्या? जो नहीं नहीं महाराज, अरे क्या करूं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, वो जो नरेंद्र है ना, उसकी मेरे को बड़ी याद आ रही है, वो बड़ा अच्छा लड़का है, वो आया ही नहीं यहां बहुत दिनों से, तुम जरा बोल देना। सारी रात श्री राम कृष्ण सोए नहीं, छटपट करते रहे। अब ऐसा प्रेम प्रेमियों में भी नहीं होता है, जब लव अफेयर वगैरह होते हैं तब भी ऐसा प्रेम नहीं होता। सारी रात श्री राम कृष्ण नरेंद्र के लिए ऐसा करते रहे। जब नरेंद्र आवे तो उनसे ही बात करें और किसी से बात नहीं करें। तब श्री राम नरेंद्र नाथ ने एक दिन श्री राम कृष्ण से कहा कि महाराज, आप तो मेरे में बहुत आसक्त हो गए, आपकी हालत में जड़ भरत जैसी होगी। आप जानते हैं ना जड़ भरत की कहानी, राजा भरत थे, बहुत चक्रवर्ती राजा, इसका भरत भारत भारत नाम उसी से पड़ा हुआ है, भारतवर्ष कहते हैं। राजा भरत, जब उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया, जंगल में चले गए, वहां पर रहते थे कुटिया बना के। एक दिन स्नान कर रहे थे कि एक शेर की डर से, आवाज से, डहार से डरती हुई एक हिरनी, उसने पानी में जंप, उसको नदी को क्रॉस करने के लिए किनारे से जो जंप किया तो बीच में गिर गई,
और वो मर गई। मरने के पहले छोटे से हिरण के बच्चे को उसने जन्म दिया, वो बहने लगा। ये स्नान कर रहे थे, उन्होंने उसे उठा लिया, उसकी माँ तो मर गई। इस छोटे से हिरण के बच्चे को पाले पोसा, बड़ा किया। अब वो दिन भर हमेशा उसी का ध्यान रखे, कहाँ चला गया, कोई जानवर ने मार तो नहीं दिया। अब बड़ा हो गया और दिन भर हमेशा उसका चिंतन करते करते अंत में जब मृत्यु आई तो हिरण का ही चिंतन करते करते मरने के कारण उनको अगला जन्म हिरण का मिला। वह ज्ञान बना रहा, उसके बाद में उसके अगले जन्म में वे मुक्त हुए, तो उसका नाम आगे अगले उसके तीसरे जन्म में जब हुए तो जड़ की तरह थे, ज्ञानी थे जन्म से ही। उसकी पूरी कहानी श्रीमद् भागवत में दी गई है। तो हिरण का चिंतन करने के कारण, कंटिन्यूस चिंतन करने के कारण उनको दूसरा जन्म हिरण का मिला। तो नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद ने श्री राम कृष्ण से कहा कि आपको भी हिरण जड़ भरत की तरह आपकी भी अवस्था होने वाली है, आप भी मेरा ही चिंतन करते हो। श्री राम कृष्ण बड़े उदास हो गए, ये नरेंद्र ऐसी बात कर रहा है। जाके माँ जगदम्बा से बात की, माँ के पास गए, माँ प्रार्थना की माँ जगदम्बा से, भगवान से कि माँ नरेंद्र जैसा बोलता है क्या होगा, मैं भी हिरण जड़ भरत जैसा हो जाऊंगा। माँ ने जवाब दिया, अरे ऐसी बात नहीं है, तू उसमें भगवान को देखता है इसलिए उसको प्यार करता है। श्री राम कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, लौट के आए और बाद नरेंद्र से कहा, चला तेने मेरे को सब कंफ्यूज कर दिया था, मेरे को बड़ा डॉट उसमें डाल दिया था भ्रम में, माँ ने मेरे को बता दिया है मैं तुझमें भगवान को देखता हूं इसलिए तुझे प्रण करता हूं। और श्री राम कृष्ण की जीवनी को अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो देखेंगे कि श्री राम कृष्ण सबको भगवान थे। माँ शारदा उनकी सेवा कर रही, माँ शारदा उनके पैरों के पैर दबा रही है और पूछती है कि अच्छा आप मुझे किस दृष्टि से देखते हो। तत्काल क्यों उसने पूछा, कोई पत्नी पति से ऐसा कभी प्रश्न नहीं करती है कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो। लेकिन उन्होंने देखा है कि उनके आचरण में कुछ फर्क है, केवल पत्नी जैसा आचरण नहीं करते, मुझे अधिक सम्मान देते, इसलिए एक दिन पूछ लिया कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते। श्री राम कृष्ण ने तत्काल जवाब दिया, जिस माँ ने इस शरीर को जन्म दिया है और वहां नौबत खाने में रह रही है, और जिस काली माँ की पूजा होती है मंदिर में, और जो मेरे पैर दबा रही है, वो तीनों एक। श्री राम कृष्ण अपनी पत्नी में, माँ शारदा में भगवान को देखते थे। ना लाटू महाराज एक दिन ध्यान कर रहे थे, बालक मेड वो तो सर्वेंट बॉय थे ना, श्री राम कृष्ण की सेवा में थे, आगे चल के अद्भुतानंद संत हुए। उस ध्यान कर रहे थे एक दिन, श्री राम कृष्ण ने देखा कहाँ गया है लड़का, देखे तो देखा कि ध्यान कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में बैठे हुए, शरीर पसीने से तर हुआ है। श्री राम कृष्ण पंखा झलने लगे उनको, जब उनको वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आए, जागृत हुए कि महाराज आप क्या कर रहे हैं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा और कि आप मेरी सेवा करेंगे। तो श्री राम कृष्ण कहते मैं तेरी सेवा नहीं कर रहा हूं, तेरे भीतर जिसका आविर्भाव हुआ है, तेरे भीतर जो भगवान है उसकी सेवा। तात्पर्य यह है कि श्री राम कृष्ण सब में भगवान दिखते थे। यहां पे यही बात कहते हैं कि ये भगवान जो है वो जगत की सृष्टि करता है और जगत भी हो जाता है। यह महापुरुषों का अनुभव है, महापुरुषों ने अपने जीवन में उतारते हैं, हमारा हमें क्या करना है, हमें भी उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, शिव ज्ञान से जीव सेवा, स्वामी श्री राम कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वाराणसी सेवाश्रम में, रोगियों की सेवा नारायण भाव से कर, जिस रोगी को देख रहे हैं उसको भगवान समझने का प्रयत्न। इतना आसान नहीं, हमारी परंपरा रही है, भारतीय संस्कृति रही है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पति देवो भव, पत्नी देवो भव, पुत्र देवो भव, जिसको भी देखें सबको भगवान समझकर उनकी उपासना पूजा करना, ये जीवन का उद्देश्य। और उसको यह एक्सपीरियंस, ये जो है वो पारमार्थिक सत्य है, यह संतों का अनुभव है, उसे हमें जीवन में उतारना। और सच पूछा जाए, इस पारमार्थिक सत्य को प्रतिदिन इसका चिंतन करते करते वह बात हमारे मन में बैठ जाती।
उसके बाद वह आसानी से समझ में भी आ जाती है, आसानी से उसे हम अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। तो जो हो, यह हमने पिछली बार कहा। उसके बाद में वो कहते हैं माया जो है वो त्रिविध है, तीन प्रकार की हो, तीन गुणमय है। और बाद में वही बात कहते हैं कि जो ज्ञानी है, विद्वान है, वो ज्ञान में, इस थियोरेटिकल नॉलेज में, इस बौद्धिक ज्ञान में, और विज्ञान यानी उसका अनुभव करके न निंदति न स्तोति, संसार में न तो निंदा करता है न स्तुति करता है। बड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर संसार में आप निंदा देखने जाएं तो समाज न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उसमें सब निंदा ही निंदा। सुबह क्या गंदी बातें, सुबह से शाम तक कैसी चीज़ें हो रही हैं, सब आपको मिल जाएगा। देखना है जगत में बुराई देखना है तो बहुत सारा मिल जाएगा, अच्छाई देखना हो तो जगत हमेशा इन दोनों का मिक्सचर से बना हुआ है। अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, बुरे लोग भी मिल जाएंगे, अच्छी घटनाएं भी मिल जाएंगी, बुरी घटनाएं भी मिल जाएंगी। तो उसके भीतर न पढ़ के, जैसे कहते हैं जो ज्ञानी है वो क्या है, संसार में सूर्य की तरह चलता है। सूर्य जिस प्रकार सबके उपको प्रकाश करता है, चोर को भी प्रकाशित करता है, पुलिस को भी प्रकाशित करता है, डाकू को भी प्रकाशित करता है, और जज को भी प्रकाशित करता है, सबको करता है। बहुत कठिन, इतना आसान नहीं है ये, इसीलिए इसको परमार्थ कहा। इसी को समझाने इसके पहले इतना सब निरूपण किया गया, इसके पहले के इतने सारे अध्याय। गीता में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान परिचित त्यज मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जाओ, वो भी परमार्थ। सब धर्मों को छोड़ दो, अच्छे बुरों को सब त्याग कर, क्या अच्छा क्या बुरा उसकी कोई चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में आओ। पर ये कब कहते हैं, ये वो 18 चैप्टर पूरे हो गए, उसके 17 पूरे हो गए, 18 का भी अधिकांश हो गया, उसके बाद क्या। तो यहां पर भी परमार्थ की चर्चा है, ये तो फाइनल ट्रुथ, इसको जीवन में लेना है, इसके लिए सब पढ़ना पड़ता। तो उसके बाद कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान और निगम में न आत्मसंविदा आदि अंत आद्यांतवत असद ज्ञात्वा निसंगो विचरेत इह, यानी ये मैंने विचार किया, प्रत्यक्ष को उसका अनुभव करो, अनुमान करो, और आत्मानुभूति से आदि सभी प्रमाणों से यह जगत जो है वह अनित्य और असत सिद्ध हो जाएगा, और तब असंग होकर संसार में विचरण करो। अब उद्धव कहता है कि आपने ये जो बात कही, ठीक है आपने कही तो है, आप कहते हैं कि यह सब जगत जो है वो केवल ब्रह्मात्म परमात्मवत है, तो मेरा एक प्रश्न है, और बड़ा अच्छा प्रश्न है। वो कहते हैं नैव आत्मनो न देहस्य संस्कृति दृश्य दृष्टि दृष्टयो हो अनात्म स्वदृशोरीश कस्यत स्याद उपलभ्यते। वो कहते हैं संस्कृति ही, संस्कृति यानी क्या, संसरण, संसरण संसार, आवागमन, जन्म मरण, इसको हम संस्कृति, संस्कृति जन्म मरण संसार, यह जो जन्म मरण रूप संसार है, यह न एव आत्मनः, आत्मा का संसार नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। ठीक है, तो हम कहते हैं आत्मा अजर अमर है, गीता में भगवान ने कहा आत्मा का जन्म नहीं होता, मरण भी नहीं होता। अच्छा, फिर किसका होता है, ये देह का होता है क्या? अरे ये देह तो अभी है, इसके बाद जब मर जाएगी तो उसको आप मिट्टी में डाल जला दीजिए तो उस खत्म हो जाएगी, यही खत्म हो जाएगी, उसके बाद में जन्म तो नहीं होता, इसके पंचभूत हैं, वे पंचभूत में मिल जाएंगे। न तो आत्मा का जन्म हो सकता है, न देह का जन्म हो सकता है, जैसा देह है वो तो खत्म हो जाएगा, वो जो पंचभूतों से मिला हुआ है। तो फिर किसका आप कहते हैं कि इसके बाद जन्म, पुनः जन्म होगा, पहले था उसके बाद में जन्म हुआ, अब मरने के बाद में इसके कर्म के द्वारा पुनः जन्म होगा, ये किसका? न तो आत्मा का हो सकता है, देह का भी नहीं हो सकता, तो किसका है? देखिए, ये भी परमार्थ। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं पारमार्थिक दृष्टि से आत्मा का जन्म मरण क्या है, कहते हैं ये किताब है, मैंने बताया कई बार बात की है,
इसके जैसे पन्ने पलट रहे हैं, उसी प्रकार से आत्मा के सामने ये एक जन्म हुआ मनुष्य जन्म, उसके अगले जन्म में हम देवता बन गए, उसके बाद अगले उद्धव भगवान से प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, भगवान आत्मा है दृष्टा और देह है दृश्य, आत्मा स्वयं प्रकाश है, देह है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु और संसार न शरीर का हो सकता है और न आत्मा का, परंतु इसका होना भी उपलब्ध होता है, तब यह होता किसे है? नैव आत्मनो न देहस्य संस्कृतिर दृष्टि दृश्यो हो अनात्म स्वरूप अस्वदृशोरीश कस्य स्यात् उपलभ्यते। बड़ा सुंदर प्रश्न किया, कॉम्प्लिकेटेड किया। अरे ये संसार का संसरण मरण आत्मा में नहीं हो सकता, और देह जो है वो तो मर जाएगा, फिर नहीं होगा, किसका होगा? आत्मा आत्मा व्ययो गुण शुद्ध स्वयं ज्योति रनावृत अग्निवत दारुवत अचित देह कस्येह एह संस्कृति ही। आत्मा अव्यय, आत्मा तो है अविनाशी, अगुण प्राकृत अप्रकृत गुणों से रहित है, स्वयं ज्योति शुद्ध स्वयं प्रकाश है, और अनावृत है सभी प्रकार के आवरण से रहित है, तथा शरीर कैसा है? विनाशी सगुण अशुद्ध प्रकाश्य और आवृत है, उससे विपरीत है। आत्मा अग्नि के समान है, प्रकाशमान है, तो शरीर काठ की तरह अचेतन है। अग्निवत दारुवत अचित देह, इसलिए फिर ये पूछते हैं कि फिर ये जन्म मृत्यु रूप संसार है किसके लिए? जन्म मृत्यु संसार ये कौन भोगता है ये बताइए। श्री भगवान उवाच, यावत् देहेन्द्रिय प्राणे आत्मना सन्निकर्षणम् संसार फलवांस्तावत् अपार्थोप्य विवेकिनः। संक्षेप में भगवान कहते हैं, उसके बाद आगे विस्तार भी करेंगे, कि यावत् देहेन्द्रिय प्राणे आत्मना सन्निकर्षणम्, जब तक संसार का अस्तित्व नहीं है, तथापि जब तक देह इंद्रिय और प्राणों के साथ आत्मा का संबंध है, सन्निकर्ष है, तब तक संसार है, तब तक अविवेकी पुरुषों के लिए संसार सत्य प्रतीत होता है, फलवान फलवान प्रतीत होता है। तावत अपार्थो अपि अविवेकिनः, जो अविवेकी पुरुष है उनके लिए यह असत्य होते हुए भी सत्य जैसा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्न में दृष्टांत है, अनेक विपत्तियां आती हैं, पात्र वास्तव में है नहीं, फिर भी स्वप्न जब तक नहीं टूटता तब तक उनका अस्तित्व बना रहता है। वैसे ही संसार के न रहने पर भी जो उसमें प्रतीत होने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु संसार की निवृत्ति नहीं होती। संक्षेप में भगवान इस प्रकार का कहते हैं कि अज्ञान के कारण जब तक देह इंद्रिय और प्राण के साथ आत्मा का संबंध बना रहता है, तब तक यह अविवेकी पुरुष को सत्य प्रतीत सा होता है। यह जो जीव है, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स प्लस आत्मा, यही संसार का संसरण इत्यादि भोगता है। ढूंढ रहा हूं, इधर उधर उधर ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है मेरे को। फिर मेरे को नींद खुल गई, नींद खुल गई, लगा कि स्वप्न है। फिर मैं लेकर रहा कि नहीं, तो कमरा तो ढूंढ रहा हूं, मिला नहीं। मैं फिर सोने की कोशिश कर रहा हूं ढूंढने के लिए। ये स्वप्न का प्रभाव कितने सत्य लगते हैं, लेकिन जब जग गए तब अपदार्थ। यहां क्या उसी प्रकार से कहते हैं, अर्थे अविद्यमान है भी, वहां पे कुछ नहीं है, फिर भी संस्कृति ये संसार का संसरण जो है वो स्वप्न के जैसा ही है। ध्यायतः, और ये क्यों नहीं निवृत्त निवृत्त होता है, उसका इंपॉर्टेंस महत्व देते हैं। विषयान ध्यायतः, विषयों का चिंतन करने के कारण, विषयों का चिंतन करने वाले यानी संसार न होने पर भी उसमें प्रतीत होने वाले दिखाई देने वाले विषयों का चिंतन अगर आप करते रहेंगे,
तो ये संसार निवृत्त नहीं हो। ये संसार जो है वो सत्य बना रहेगा, जैसे जिस प्रकार स्वप्न बना, उससे निवृत्ति नहीं होने वाली। तब डर लगेगा, मृत्यु का डर लगेगा, बुढ़ापे का डर लगेगा, क्यों वो सत्य प्रतीत होंगे। बीमारी का डर लगेगा, वियोग का डर लगेगा, अरे बाबा वो कोई मर गया तो इष्ट वियोग अनिष्ट योग का डर बना रहेगा, ये सब लगा रहेगा, सब अनर्थ लगे रहेंगे। जब तक विषयों का चिंतन करें, और विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, वही असत आग्रह, असत अनुग्रह, असत के प्रति हमारा जो जोर है वो अधिक हो जाता है। लेकिन जब ही अप्रभु यथा ही अप्रबुद्धस्य प्रस्वापो भवि अनर्थभृत सवैव प्रबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। लेकिन जैसे ही नींद छूट गई उसके बाद में स्वप्न गायब। अच्छा, यहां पर एक बात समझ लेने की है, वेदांत यानी ये स्वप्न का दृष्टांत और जागृत स्वप्न की निवृत्ति के दृष्टांत में थोड़ा सा फर्क है। जब हम सोकर उठते हैं उसके बाद में स्वप्न नहीं दिखता, स्वप्न नष्ट हो जाता है। लेकिन अब जब अविद्या की निद्रा से उठते जागते हैं, समाधि में, निर्विकल्प समाधि में, जब साक्षात्कार होता है, अहम ब्रह्मास्मि हो गया, श्री राम कृष्ण को तोतापुरी जी महाराज ने बताया, तोतापुरी महाराज ने उनको वेदांत में उपदेश दिया और कहा कि अब ध्यान करो, माँ जगदम्बा को भी उन्होंने मिथ्या मान के हटा दिया और उनका मन निर्विकल्प समाधि में 3 दिन तक लीन रहा, उस ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद में पुनः वह जब जागृत अवस्था में सामान्य निर्विकल्प समाधि से सामान्य अवस्था में आए, तब क्या हुआ, उस अवस्था में क्या हुआ, उस अवस्था में जागृत स्वप्न का पूरी तरह लोप हो गया, जागृत स्वप्न नहीं रहा, ये मानते हैं। मन भी विलीन हो गया, इसलिए कहते हैं कि उस अवस्था में क्या होता है वो मुंह से बोला नहीं जाता। श्री रामकृष्ण कहते थे देखो उस समय अवस्था में क्या होता है तुम लोगों को मैं बताता हूं। वो चाहते थे कि ये लोग समझें सुने, उनका मन परमार्थ में लगे, जानना चाहते हैं। उसने पूछते थे महाराज बताइए क्या होता है उस अवस्था में, समाधि में क्या होता है। अच्छा बताता हूं, देखो होता है क्या है समाधि में, ये होता है कि और खुद समाधि में विलीन हो जाए। फिर मन को लगा अरे देखो मैं बताता हूं, बार बार कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते। तो वो कहते हैं क्या करूं, माँ मेरा मुंह दबा देती है, बोलने नहीं देती। तो आस पास बैठे हुए भक्त सोचते हैं कि ये माँ जो है, माँ जगदम्बा बड़ी निष्ठुर है, अरे वो परमार्थ तत्व हमको समझाना चाहते हैं और उनका मुंह दबा देती है, निष्ठुर है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो निष्ठुरता की बात नहीं है, वो इसलिए नहीं बता सकते थे, मां मुंह नहीं दबाती, वो चीज बोली नहीं जा सकती, वो उसका अनुभव जो है वो मन और वाणी के परे का है। क्या होता है हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि यह जागृत स्वप्न जो है वो पूरी तरह विलीन हो जाता है। जैसे गाढ़ निद्रा में होता है, गाढ़ निद्रा में जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था दोनों विलीन हो जाती है, लेकिन निद्रा अवस्था बनी रहती है। उस अवस्था में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था विलीन हो जाती है, क्या बचा रहता है अपने कह नहीं सकते। इसलिए बुद्ध की भी वही अवस्था हुई, उन्होंने बोला नहीं, बता नहीं सके, चुप रहे, इसलिए लोगों ने कहा कि वह शून्य रहता। जो हो, श्री रामकृष्ण यह कहते थे कि उस अवस्था में यह सब, लेकिन जब उसके बाद नॉर्मल कॉन्शियसनेस में आए तब फिर तो जागृत स्वप्न शुरू हो गया। ये जो जगत है वह स्वप्न, जो जगत का स्वप्न फिर शुरू हो गया, फिर खाना पीना, फिर पेट में दर्द, फिर कैंसर, फिर नरेंद्र के लिए व्याकुलता, सब शुरू हो गई। नहीं, जो पहले थी निर्विकल समाधि के पहले जो स्थिति थी और बाद की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर। स्वामी विवेकानंद उसका दृष्टांत देते हुए कहते थे कि रेगिस्तान में मैं जा रहा हूं
मेरे को प्यास लगी, देख रहा है बहुत बड़ा तालाब है, लगा अरे लोग कहते हैं कि ये रेगिस्तान में तालाब तो पानी ही पानी भरा हुआ है, अभी तो हो गया पानी पानी वहां पे, भरा रहेगा कि नहीं, बाड़मेर और जैसलमेर में क्या हुआ पता नहीं, रेत में पानी रहेगा टला जाएगा क्या होगा मालूम नहीं। जब स्वामी विवेकानंद उस ओर गए तो आगे चला गया, आधे चला गया, तब अचानक लगा अरे ये तो मरीचिका है, मिराज है। तब कहा अरे इसको तो हम पढ़ा करते थे कि इससे जो हिरण मृग जो है वो भ्रम में आकर उसके पीछे दौड़ता है, अब समझ में आया। उसके बाद कल से दूसरे दिन फिर निकले घूमने के लिए, वहीं चले जा रहे हैं, उसके बाद में भी दिख रहा है समुद्र, वो सागर पानी दिख रहा है, क्या उस बार आप पानी की तरफ जाएंगे? वो अब जानते हैं कि वह पानी नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क हो जाता। जागृत, हमारी वास्तविक जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था का पूरी तरह लोप हो जाता है, लेकिन जब अज्ञान की अवस्था से, अज्ञान की निद्रा से हम जागृत होते हैं, तब यह जो जगत का स्वप्न है वह दिखाई देता है, लेकिन फिर हमें भ्रमित नहीं करता। इसको कहते हैं बाधित प्रतीति, या का बाधित एक शब्द आता है, जगत की प्रतीति होती है लेकिन बाध बाध यानी यह निश्चय हो जाता है कि यह मिथ्या है, फिर व्यक्ति उसके अंदर फंसता नहीं, उसके अंदर वो भ्रम में नहीं पड़ता, चक्कर में नहीं पड़ता। एक बार ज्ञानी हो जाता है उसके बाद घूमता, उसके मन में 100% यह भाव रहता है कि ये मिथ्या है, बात करता हुआ सब कुछ करता है, लोक कल्याण का काम करेगा या अपना जो स्वधर्म है करता रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से जानेगा कि मिथ्या। जैसे राजा जनक, इसको किसलिए विदेह जनक कहते थे, वो देह से परे थे, देह को मिथ्या जानते थे, जब उनको जगत अपना महल को आग लगी तो उनको फर्क नहीं पड़ा, मिथिलायाम विदग्धायाम, मिथिला जल जावे मेरा कुछ नहीं जलता, ये सब मिथ्या है, पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान में प्रतिष्ठित, ये फर्क। तो यहां पर कहते हैं कि जिस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न उसके बाद में स्वप्न से जाग जाता है तो उसके स्वप्न के भ्रम में नहीं पड़ता। अब कहते हैं तो एक बात यह कही, अब आगे यहां 15वें मंत्र में श्लोक में कहते हैं शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्प्रिया आदय अहंकारस्य दृश्यते दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च न आत्मनः। तुमने जो प्रश्न किया उद्धव कि ये किसको होते हैं जन्म मृत्यु, जो किसको होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं आत्मा को तो नहीं होंगे, भगवान कहते हैं अहंकार को होते हैं। अहंकारस्य शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्प्रिहा इच्छा प्राप्त करने की, ये सब के सब अहंकार को होते हैं। और अहंकार क्या है इसको अगले श्लोक में बोलते हैं देहेंद्रिय प्राण मनो अभिमानो जीवो अंतरात्मा गुण कर्म मूर्ति सूत्रम महान इति उपधा एव गीतः संसारे आधावती कालतंत्र। इसी को जीव कहा गया, इसी को सूत्रात्मा कहा गया, इसी को महत कहते हैं। इसके नाना रूप हैं, कौन से, देह इंद्रिय प्राण मन का अभिमान रखने वाला, देह इंद्रिय प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, और जो कठोपनिषद में कहा गया है वो आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिश्च सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तः भोक्ता भोक्तित्याहु मनीषिणः। घोड़ा रथ बना दिया इसको, शरीर को, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और उसमें आत्मा बैठा हुआ, ये सब मिला के भोक्ता जीव, उसमें अभिमान करने के कारण उसमें
अंतरात्मा या अंतरात्मा और सोल, इंडिविजुअल सोल, यही सूत्रात्मा कहलाता है। यह महत्व भी कहलाता है, कभी कहता कभी सूत्रात्मा कहलाता है। और फिर क्या करता है कि वही काल रूप कालतंत्र संसार काल के प्रभाव में पड़कर संसारे आधावती, ये संसार में आवागमन भागता रहता है, आवागमन करता रहता है। उसके अनेक नाम दिए, महत्वपूर्ण सूत्रात्मा, जीव, कुछ भी बोलिए आप, वो संसार में भटकता रहता है। तो भगवान ने इसका उत्तर दे दिया, भगवान ने दिया है कि कॉम्बिनेशन बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स के साथ में, जीव के साथ में, जब उसके उसके साथ एक हो जाता है तब ये होता है। अब कहते हैं अमूलमेतम बहुरूप रूपितम मनोवचो प्राण कर्म शरीर कर्म ज्ञानासिनोपासनया शितेन चित्वा मुनिर्गाम विचरति अतृष्णः। अब यह जो है इसी को कहते हैं चित जड़ ग्रंथि, इसको ग्रंथि कहा गया है। नॉट क्या है, आत्मा तो उसका संसरण नहीं हो सकता, और ये डेड बॉडी जो है उसका संसरण नहीं हो सकता। इन दोनों को मिला दो, इनको बांध दो, दो कपड़े हैं, एक ये वाला कपड़ा और दूसरा सफेद कपड़ा, उसको दोनों को आप बांध दो, एक चैतन्य है और जड़ है, दोनों को अज्ञान अविद्या के कारण दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये संसार में आवागमन करता है। जो अहंकार है ये समझ लेना कि मैं शरीर हूं, पर मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं प्राण हूं, अब ये संसार में आवागमन करेगा। यही कहते हैं अमूलम एतत्, यह निर्मूल है प्राण, इसमें क्या है, ये मन वाणी प्राण शरीर कर्म, ये जितने हैं अहंकार के कार्य हैं, ये निर्मूल हैं, किंतु बहुरूप रूपितम, बेसिकली ये अविद्या के ही रूप हैं, ये निर्मूल हैं यानी नॉन एग्जिस्टेंट है, असत हैं, लेकिन इन्हीं के ही देवता शरीर मनुष्य आदि बहुत रूप दिखाई देते हैं। अब इस यह जो ग्रंथि हो जाती है इसको क्या करेगा, मुनि मननशील व्यक्ति, जो लोग विचार करते हैं, सत्संग करते हैं, जो हमने पढ़ा आज सुना, तब इसको हम विचार जब करेंगे तब हम मुनि बनेंगे, मनन करेंगे तब मुनि बनेंगे, यही छोड़ के चले गए तो मुनि नहीं बनेंगे। यहाँ सुना और उसके बाद घर जाके उसको मेडिटेट नहीं किया तो हम मुनि नहीं बनेंगे। जो मननशील व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान आसिना, ज्ञान रूपी तलवार, उपासनाशितेन, उपासना के द्वारा धार की हुई तलवार, शितेन धार की हुई ज्ञान की तलवार। अब बिल्कुल ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण ने क्या कहा कि मैंने ज्ञान की खड्ग से, ज्ञान की तलवार से मां जगदम्बा के रूप को काट दिया। जब तोतापुरी महाराज ने कहा कि ये नेति नेति क्या है, जगत मिथ्या है, सब मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या करते गए तो सब कुछ तो मिथ्या हो गया। बहुत आसान था संसार जो जगत मिथ्या है तो स्पष्ट था उनको, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, विचार हो चुका था। लेकिन मां जगदम्बा उनके साथ बातचीत सुबह शाम करना, वो एब्सोल्युटली रियल उनके लिए सगुण ब्रह्म है, बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रहे हैं, उसको कैसे काटूं। तोतापुरी जी ने कहा नहीं काटना पड़ेगा, उसको भी हटाओ, वो भी मिथ्या है। तब क्या किया उन्होंने, ज्ञान रूपी असी तलवार, यू एग्जैक्टली जो कहा है उससे काटा, यानी विचार के द्वारा उन्होंने यह निश्चित किया कि यह भी मिथ्या है। उपासनाशितेन, उपासना के द्वारा उस ज्ञान की तलवार को धार की गई है। ये उपासना क्या है, ये भगवान में मन लगाना, हम जिसे कहते हैं ना
तीन चार उपासना, प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्त्रोत्रादि, मध्यमा उत्तमा मानसी पूजा इत्यादि, वेदों में कई प्रकार की उपासना का वर्णन है। अहंग्रह उपासना, ब्रह्म उपासना, कई प्रकार की उपासना। उपासना का मतलब है मन की एकाग्रता, ध्यान। तो उपासना की तलवार, उपासना श्री राम कृष्ण ने कैसी उपासना की थी? श्री राम कृष्ण ने उपासना का जो चरम लक्ष्य था वह होता है भगवान का दर्शन, सगुण भगवान का दर्शन, उसको प्राप्त कर लिया था। ऐसे व्यक्ति को जो उपासना कर चुका होता है उसे कहते हैं कृत उपास्ती, जिसने उपासना की है। वेदांत का ये शब्द है, जिसने वे उपासना कर ली है, कृत उपास्ती व्यक्ति, यह वेदांत का उत्तम अधिकारी होता है। उसकी तलवार, मन की तलवार बड़ी तीक्ष्ण हो गई है, मन बहुत एकाग्र हो गया है उसका। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान के भाव को बनाए रखना मन में बहुत आसान होता है। अभी हमने यह सुन लिया, हम बाद में इसको एकाग्र करके बनाए मन में नहीं रख पाएंगे। बहुत सारी बातें, विचार, दूसरे प्रकार के द्वैत के विचार हमारे मन में बार बार उठेंगे, क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारे मन में एकाग्र चिंतन की क्षमता नहीं। लेकिन जिसने उपासना कर ली है, नियमित रूप से ध्यान करता है, या नियमित रूप से भगवान की, कहना चाहिए क्रियाकांड रूपी उपासना भी करता है, रिचुअलिस्टिक वर्शिप भी करता है, लेकिन पूरे मन से अच्छी तरह करता है, धीरे धीरे उसका मन एकाग्र, तीव्र एकाग्रता को प्राप्त होता है। फिर वह इस उच्च ज्ञान के तत्व को कि यह जगत मिथ्या है, इस ज्ञान के तत्व को भी मन में लंबे समय तक बनाए रख सकता है, तब वह अनुभूति प्राप्त करता है। अभी हमने समझ लिया, लेकिन यह समझ थोड़े समय तक रहेगी और दूसरे ही क्षण हम जगत को सत्य समझकर व्यवहार करने लगे। लेकिन जिसका मन एकाग्र है, निदिध्यासन, जो श्रवण मनन निदिध्यासन, निदिध्यासन यानी उसी विचार को कंटिन्यूअसली मन में बनाए रखना कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, उसको व्यक्ति वह बनाए यदि रख सके, तो उसके बाद वह क्या होगा, छित्वा, वह इस अमो, इस चित्त जड़ ग्रंथि को काट देगा। ये गठान जो बंधी है उसको खोलने की जरूरत नहीं, काट ही देगा, काट देगा। और क्या कहेगा, उस मुनि ही मुनि जब काट दिया तो उसके बाद फ्री हो गया, विचरति अतृष्णा, तृष्णा रहित होकर किसी भी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर, सभी इच्छाओं को तृष्णा रहित होकर वह विचरति गाम, इस पृथ्वी पर प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक विचरण करता है। तो यहां पर भगवान ने संक्षेप में उद्धव के प्रश्न का उत्तर दिया, इसके बाद और चलेगा, उसी बात को बार बार बताने का प्रयत्न करेंगे। ये परमार्थ तत्व जिसकी चर्चा हम अगली बार यानी अब 17 तारीख को करेंगे, आज 16 नहीं, अगली बार होगा 9 तारीख को, आज 2 तारीख है ना, 9 तारीख होगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं।